झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष द्वारा विश्वास मत लाने के पीछे कारण पूछा, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 2014 में सत्ता के आने के बाद से ही भाजपा लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने यह विश्वास मत प्रस्ताव लाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि आज असंवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चुनी हुई लोकतंत्र सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। केंद्र की सोच के कारण आज देश के कई बार एक बार फिर से मनुवादी सोच बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकतंत्र की कसम खाने की बात करने वाले भाजपा नेता आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बंटवारा कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं सीएम सोरेन ने यह कहा कि हमारे तीन विधायक को खरीदने का काम किया जा रहा है। हमारे तीनों विधायक इस मामले में आज कोलकाता में है फंसे हुए हैं। विधायक को खरीदने के पीछे सीधे सीधे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सामने आया है। बता दें कि भाजपा नेता आज देश के और राज्य में दंगा कराकर सत्ता पाने का काम कर रही है, लेकिन जब तक राज्य में यूपी की सरकार है तब तक भाजपा के मंसूबे पर पूरे नहीं हो पाएंगे। बाकी आप क्या कहेंगे, इनके मंसूबे कब तक कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।